मेरठ। 3 महीने से वेतन न मिलने से गुस्साए होमगार्ड ने मेरठ कमिश्नरी पर आत्मदाह का प्रयास किया। 3 महीने से वेतन न मिलने से गुस्साए डायल हंडेर पर तैनात एक होमगार्ड ने आज कमिश्नरी चौराहे पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। कमिश्नर कार्यालय के गेट पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने अनफन में होमगार्ड के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनी। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। बाद में मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने होमगार्ड से पूछताछ की। होमगार्ड मुकेश कुमार का कहना है कि वह पुलिस लाइन में रिजर्व ड्यूटी पर रहता है, उसकी ड्यूटी डायल हंड्रेड पर लगाई जाती है। मुकेश का ये कहना है कि पिछले 3 महीने से उसे वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उसका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। उसने आरोप लगाया कि विभाग में कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी उसे वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज होकर आज अपने जान देने पर आमादा हो गया। इधर एसपी सिटी रणविजय सिंह ने इस मामले में होमगार्ड विभाग से बात कर तनख्वाह न मिलने के कारण और जल्द ही से जल्द उसको तनख्वाह दिलवाने की बात कही। अरे जिनाब मैं वो ले आऊंगा। अरे बात नहीं, कहो अपनी बात कर, कपड़े क्या पहुंचूंगा, कैसे कैसे हो गई बात तो सोनमा डाइल में हूँ, होमगार्ड में तनखा नहीं आई, बच्चे हम खा रहे बोले मैं मरूंगा आज। अरे वहां से हट रहा सारे, कहाँ पहुँचते हैं आप? इधर में पुलिस लाइन गवर्नमेंट लाइन मैं बोल लूंगा पेट्रोल बोलूंगा आज पक्का, मेरे घर में सामान नहीं है। तुम्हारा ये तरीका भी गलत है ना सर, तुम्हारा कहाँ पहुँचते हैं आप? इधर में पुलिस लाइन गवर्नमेंट लाइन मैं बोलूंगा पेट्रोल भैया क्या नाम है आपका? नाम बता दो जरा नाम। सर मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी है। आज आपने टेल डालने का प्रयास क्यों करा? सर इसलिए करा मैंने, हम सर फोर नंबर डाइन में हैं, 5 महीने हो गए, कभी सदना कभी मवाना जेल में चल रहा हूँ, कभी दिल्ली गेट, कभी कहीं कभी कहीं, 3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं आई किसी की नहीं आने की। तुमने किसी वजह से मैंने सोचा अपना मरूंगा। तो आज क्या कर रहा था आपने? सर मैं पेट्रोल लेकर आया था, मरूंगा बच्चे कहाँ से मालूम सर, मैं मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। कौन सी कंपनी है आपकी? सर दो डॉलर स्वदेश नीचे करो। तो किसी अधिकारी से बात हुई क्या कह रहे हैं? आ जाएगी कल आएगी, आ जाएगी कल आएगी, बच्चे कहाँ से मालूम है? रहने वाले कहाँ के हो? तनख्वाह देने के नाम पे क्या पैसे मांगे जा रहे डिपार्टमेंट में? हाँ जी पैसे मांगे जा रहे। क्या कह रहे डिपार्टमेंट? 500 महीना। कहाँ रहते हम? प्रयास किया क्या वजह है? आईडी नीचे करो। सूचना मिली थी तत्काल की, कोई होमगार्ड है जिन्होंने थोड़ी सी मेरी चल रही है, सूचना मिली तो हमारे पुलिस कर्मियों ने उनसे बोतल ले लिया है। उनसे पूछा गया कि क्या गिरवंश है, तो गिरवंश में उन्होंने बताया कि उनकी तनख्वाह नहीं मिलती। हम लोग लाइव टुडे नीचे कर लाइव टुडे मॉर्निंग साहब से बात करके और हम ये देखेंगे कि किन परिस्थितियों में उनका तनख्वाह रिलीज नहीं हुआ। और हमने उनसे दो बार तीन बार पूछा है कि और कुछ शिकायत है, तो उन्होंने केवल तनख्वाह की शिकायत बताई है। अभी मैं उनसे बात करके इंश्योर कराऊंगा कि उनका तनख्वाह टाइम से मिले। और सेकेंडली ये भी इशू है कि जैसे वो ड्यूटी वगैरह के बारे में बता रहे, तो हम थोड़ा सा ये फील किया ड्यूटी
संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एक तरीके से एक बार उनसे साथ मीटिंग करके और बात कर लेंगे, उनकी सारी समस्या को दूर करेंगे। इस बात से वो चले गए हैं, अभी हम उनका तनख्वाह तत्काल इंश्योर करना चाहते हैं।